आगे तो आकर इसलिए के मैं कह आपको रहे थे कि बताऊं। सुधरोगे कि नहीं सुधरोगे, कि अभी तक के सब तुम लोग का आदत बदलेगा नहीं। अरे दुर्योग इससे बड़ा क्या होगा कि आप बैक बेंचर हमेशा बन जाते हैं, फिर पीछे ही वाला सीटें लौट हो गया। इसलिए कोई भी इस ढंग की अटकलें जो है वो, चूंकि नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द ही राजनीति घूमता है, कोई प्यार करे या घृणा करे नीतीश कुमार जी से कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो स्वाभाविक है, नीतीश कुमार जी दिल्ली जाएंगे तब खबर, पटना रहेंगे तब खबर, बोलेंगे तब खबर, नहीं बोलेंगे तब खबर, खबर ही खबर है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में थे। अरे किंग मेकर इसको क्या, ये सामंती राज है। लोकतंत्र में हमारा संख्या बल है जो एक दूसरे के सहयोग के लिए है। हम लोगों ने एक साथ चुनावी अभियान किया है, सब कुछ किया है। विपक्ष ने ये मान लिया है कि एनडीए में ज़्यादा संख्या है और वो उनकी सरकार बनने जा रही है, इसलिए अब हम लोग विपक्ष में बैठेंगे और विपक्ष जो जनता के मुद्दे हैं वो अब उठाएंगे। इतना देर के बाद ज्ञान काहे हुआ इनको, चुनाव परिणाम आने के 48 घंटा लग गया तब इनको एहसास हुआ कि संख्या बल में हम हार गए हैं। और हालात क्या है भाई, कैसा गठबंधन, इंडी गठबंधन, कि टीएमसी चुनाव लड़ता है बंगाल में, न कांग्रेस को पूछता है, न सीपीआई न सीपीएम को, एक दूसरे के विरोध में लोग चुनाव लड़ते हैं, और केंद्र में इंडी गठबंधन बना के रह रहे हैं। तो पहले सहमति न बनाइए, सहमति बनता नहीं है तो विपक्ष के पास कोई वैकल्पिक न नेतृत्व है, न नीति है, न उसका रोड मैप है। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब अगला लोकसभा चुनाव होगा तो देखिएगा कि इंडी गठबंधन का पॉलिटिकल एक्सीडेंट हो चुका है। ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस को मैंने 2 सीट देने का ऑफर किया था, अगर वो 2 सीट पर चुनाव लड़ लेती तो बंगाल में 2 सीट तो आ जाती। अब माननीय ममता बनर्जी जी ने राजनीति में औकात बताया राहुल गांधी जी को, कि आपका राजनीतिक परिवार नियोजन करने के लिए आपको टिकट दे रहे थे, दो नहीं लड़े तो आप जानिए। तो यही है कांग्रेस, तेरी दुर्दशा देखी न जाई। जीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने भी साफ कह दिया कि अगर हम एनडीए के साथ नहीं होते तो एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ते, हम एनडीए के साथ। बिल्कुल भाई, ये स्पष्ट है, एक साथ चुनावी अभियान में रहे, राज्य के अंदर जनादेश मिला, देश के अंदर जनादेश मिला है तो एनडीए के साथ रहना ही, ये तो सस्पिशन क्रिएट किया जाता है। लेकिन वैसे लोग भ्रम जाल में रहते हैं, सीधे सीधे तौर पर गठबंधन के सहयोगी दलों को, एनडीए को जनादेश मिला है और हम सरकार बनाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो किंग मेकर की भूमिका में है वो तो अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला देंगे। नीतीश कुमार पर सीधे निशाना नहीं साधा। नहीं माननीय तेजस्वी यादव जी, अब आप राजनीति में आपकी उपयोगिता खत्म हो गई, आपको 4 सीट आया है और 4 की जरूरत कब पड़ती है सबको मालूम है, और साथ ही साथ विशेष दर्जा, विशेष सहायता, विशेष पैकेज, इसकी चिंता माननीय नीतीश कुमार जी करते हैं। आप लोग जेल में विशेष दर्जा का चिंता करिए, बिहार के विकास की चिंता माननीय नीतीश कुमार जी के हवाले छोड़ दीजिए।